नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या पेवाल और स्वागत है आपका लोकमत.com लोकमतnews.in में। और आज फिर से स्पोर्ट्स रिलेटेड चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री अयाज मेमन सर। वेलकम बैक सर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल है टीम इंडिया की जीत को लेकर, जो ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध जो मैच हुई, जो सीरीज हुई, उसको लेकर कि आपको क्या लगता है टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा क्या सिखा दिया, क्या सीख दी इस पूरे विन से? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जीत थी और इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पहली मैच इंडिया हार गई बड़े मार्जिन से, 10 विकेट से हार हुई थी। और वहां पर तो मुझे ये डर था कि शायद 3-0 ना हो जाए ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। तो बैक टू द वॉल कम बैक करना जब आप इतनी बुरी तरह से हारे पहली मैच में, ये दर्शाता है कि टीम में एक हौसला बहुत बुलंद है कि वो हार इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। टैलेंट हम सब जानते हैं, लेकिन टैलेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास टैलेंट है जो वक्त पे काम नहीं आया तो टैलेंट कोई फायदे का नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब आपके चैंपियंस जो है उनको खड़ा होना चाहिए, उनकी जरूरत होती है खड़े रहिए। तो वो हमने देखा कि पहली मैच में इंडिया बहुत बुरी तरह पिटाई हुई थी, उसके बाद दूसरी मैच में जिस तरह से फाइट बैक किया इंडिया ने, बड़ा टोटल खड़ा किया, केएल राहुल की जबरदस्त सनसनीखेज बैटिंग थी और वो मैच जो इम्पैक्ट प्लेयर बोलते हैं उन्होंने मैच जीता। और तीसरी मैच में जब सीरीज जीतने की जरूरत थी तो वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, ये आपके की प्लेयर्स हैं, काफी अरसे से साथ में खेलते आ रहे हैं और सब मानते हैं। और अगर आप विश्व के रैंकिंग्स देखिए बल्लेबाजों में, विराट कोहली नंबर वन पे है, रोहित शर्मा नंबर टू पे है ओडीआई रैंकिंग में, जसप्रीत बुमराह जो है वो नंबर वन पे है। तो ऐसे प्लेयर्स अगर आप अपना जलवा नहीं दिखाएंगे राइट टाइम पे तो फिर टैलेंट रहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने प्रूफ किया, क्योंकि यहां पर जरूरत थी अपने आप को प्रूफ करने की। और जो ऑस्ट्रेलिया के लिए लेसन आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी मजबूत टीम है, इंडिया की तरह वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची, लेकिन रीबिल्ड करते हुए फिलहाल जो है मेरे मुझे लगता है कि नंबर टू टीम है विश्व में ओडीआई में। इंडिया नंबर वन है रैंकिंग पे, अगर आप जाएंगे तो इंग्लैंड है, लेकिन वैसे मेरा मानना यह है कि ऑल विकेट्स अगर आप देखें विश्व में जहां भी खेलना हो तो इंडिया सबसे बेहतरीन टीम है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे उनके प्लेयर्स आखिरी मैच में जो दो की प्लेयर्स थे वो नहीं चले, वो थे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। और ऐसी मैच में, इतनी बड़ी मैच में, एक तरह से आप टाई ब्रेकर है, एक एक मैच जीती हुई है, टाई ब्रेकर है। इस वक्त आप अगर अपने आपके चैलेंज क्या होता है, हमें भी होता है, अगर आप स्टोरी लिखनी है डेडलाइन के लिए एक डेढ़ घंटा ही रह गया है तो भी आपको लिखना है जी। ये नहीं है कि मुझे 6 घंटा मिलेगा तो ही मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, है ना। तो चैलेंज अगर आपके ऊपर प्रेशर होता है, उस प्रेशर में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली अपने टैलेंट का सबूत मिलता है जी। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जो विश्व के बड़े माने हुए गेंदबाज है वो नहीं चल पाए, और ये मेरे ख्याल से रिवर्स दबाव जो रिवर्स प्रेशर लगाया इंडियन टीम ने उस वजह से हुआ है। तो इंडियन टीम मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से भी मेंटली स्ट्रांग है, इसी वजह से इंडिया ने ये टीम जीती है। बाकी सब चीजें बराबर की थी, मेंटल टफनेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इंडिया को जीता है जी। और सर अभी न्यूजीलैंड की चर्चा करते हैं, शिखर धवन ने शोल्डर इंजरी हो गई है तो उनका थोड़ा डाउट नजर आ रहा है कि वो न्यूजीलैंड के टूर पे जाएंगे। इमीडिएटली तो नहीं जा रहे जी, तो टेस्ट मैचेस जो है वो है फरवरी में जी, 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, 3 ODIs है, 5 T20 है वगैरह, यानी जो लिमिटेड ओवर मैचेस है। टीम मेरे ख्याल से कल जा रही है जी, तो 21 तारीख का है डिपार्चर। तो पहले के जो मैचेस है लिमिटेड ओवर मैचेस, मेरे ख्याल से शिखर धवन से बाहर ही हो गए, उनकी कोशिश रहेगी कि टेस्ट मैचेस में उनकी वापसी हो, लेकिन शोल्डर इंजरी कितनी सीरियस है अभी भी ऑब्जर्वेशन में है जी। और क्योंकि इंजरी से ही वापस लौट के आए थे जी, और फिर एक और इंजरी सफर किया है, तो मेरे ख्याल से बैड लक है हमके लिए क्योंकि अच्छे फॉर्म में थे, वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई वहां पर इंजर्ड हो गए, यहाँ पर अच्छे फॉर्म में हाफ सेंचुरी बनाए थे यहाँ पर इंजर्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि किस्मत उनके साथ नहीं दे रही जी। आपको ऐसे नहीं लगता कि टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है? झटका जरूर है क्योंकि बहुत ही तजुर्बे का प्लेयर है, 7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसके पहले से 4-5 साल से खेल रहे, तो 10-12-13 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको दुकान में नहीं, मॉल में नहीं मिलेगा। तो ऐसा प्लेयर अगर नहीं होता है तो एक उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट कहां से लाएंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे?
फिर आपकी निगाहें जाएगी पृथ्वी शॉ पे, शुभमन गिल पे, जो फिलहाल न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं और अच्छा फॉर्म भी था पृथ्वी शॉ का पहले मैच में, तो शायद चॉइस वहां से बना सकते हैं आप थर्ड ओपनर के लिए, क्योंकि रोहित के साथ मयंक अग्रवाल है, केएल राहुल भी टेस्टिंग में नहीं थे, मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, अब शायद केएल राहुल इतने अच्छे फॉर्म में है तो उनकी भी वापसी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि क्योंकि टैलेंट इतना है, आपस में कॉम्पिटिशन सीरियस कॉम्पिटिशन है और बेस्ट प्लेयर जो होगा वो उसमें जगह मिलेगी। लेकिन शिखर धवन के लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है, पिछले 6-8 महीने का जो समय रहा है बहुत ही बदकिस्मत रहे वो जी। और सर न्यूजीलैंड के साथ जो भी मैचेस खेली जाएंगी, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को वहां पे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? और इंडिया के लिए जो है वो ओवरसीज मैच है, ओवरसीज चैलेंज, ऐसा नहीं कि नहीं खेले न्यूजीलैंड में पहले, विराट कोहली शिखर धवन तो है नहीं, लेकिन काफी प्लेयर्स ने खेला है न्यूजीलैंड में। ओवरसीज खेलने में उनके बॉलर्स जो है जो स्ट्रगल करते हैं इंडिया में आके, अपने कंडीशन में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं या करते हैं, तो ये एक चुनौती है इंडियन बैट्समैन के लिए और इंडियन बॉलर्स के लिए भी एक चैलेंज है कि आप किस तरह से वहां पर गेंदबाजी करेंगे कि आप 20 विकेट ले सके। न भूलें ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट क्रिकेट के लिए भी इसमें अंक मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, अब तक तो इंडिया गैलप करते हुए आगे गई है, वो सब होम मैचेस थे, अब जो है ओवरसीज मैचेस है। इक्वेशन ऐसा है ऐश्वर्या कि इस साल अगर न्यूजीलैंड में एक मैच जीती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट जीती है, ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट खेले जाने वाले, न्यूजीलैंड में 2, अगर ये एक एक मैच भी जीत जाती है तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो ये एक उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली अवेयरनेस रहेगा कि ये है इक्वेशन और कोशिश यही होनी चाहिए कि एक मैच उतना टफ भी होगा उतना कॉम्पिटिटिव भी होगा। पर मुझे लगता है क्या इतना मुझे एक एक भरोसा हो गया इस टीम पे कि वो इजीली गिव अप नहीं करते हैं, वो जीत एक तो भूख रहती है जीतने की, ख्वाहिश है, और ओवरसीज भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है साउथ अफ्रीका में हालांकि सीरीज हारे, इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था 2018 में, लेकिन 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और अब अगर आप टीम की शक्ल देखिए, शिखर धवन अनफॉर्चुनेट है जैसे मैंने कहा, रोहित शर्मा, विराट कोहली 10-10-11 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, रविंद्र जडेजा 7-8 साल से खेलते आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल से अश्विन भी जाएंगे, वो भी काफी अच्छे से खेलते आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी है, टैलेंट भी भरपूर है और एक ये एक एम्बिशन है, एक लक्ष्य भी है सामने की वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट चैंपियनशिप में जाना है। मैं यहाँ पर ज्यादा ओडीआई और T20 की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रियल चैलेंज जो है वो टेस्ट मैचेस का है। हाँ, T20 में भी अगर आपको फॉर्म बरकरार रखना है वर्ल्ड T20 के लिए जो अक्टूबर में खेला जाएगा, उसके लिए अभी से ही एक मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी है जी। और साथ ही साथ दोनों टीम एज ए न्यूजीलैंड और इंडिया, दोनों के टीम के जो गेंदबाज है वो तेज है, तो आपको क्या लगता है कि ये ओवरऑल जो मैच होगा वो गेंदबाजों पर ज्यादा फोकस करेगा या बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करेगा? बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बैटिंग हल्की है। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अपने ही देश में बहुत जबरदस्त है, तो ये एक हिस्टोरिकली जो सिचुएशन बनता है उसको तोड़ना होगा इंडिया के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर सकते, वो गेंदबाजों को भी करना पड़ेगा या उनको ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो जसप्रीत बुमराह अच्छी वापसी हुई उनकी, फिटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया, मोहम्मद शमी शायद अपने पीक फॉर्म में है, अब उनके साथ साथ बाकी जो गेंदबाज हो गया, मेरे ख्याल से चैलेंज जो कह रहे हैं ना तेज गेंदबाजों के लिए, अगर पिचेस बनती है तो हमारे तेज गेंदबाज उनसे कम नहीं है, लेकिन चैलेंज रहेगा हमारे स्पिनर्स के लिए, क्योंकि ओवरसीज मैचेस में ना साउथ अफ्रीका में ना इंग्लैंड में ना ऑस्ट्रेलिया में हमारे स्पिनर्स ने बहुत सारे विकेट उठाए, जीत अगर मिली थी ऑस्ट्रेलिया में वो फास्ट बॉलर्स की वजह से मिली थी, तो एक स्पिनर तो खेला ही जाएगा, ये जरूरी है कि ये स्पिनर भी चिप इन करे, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे विकेट्स लेके, ये नहीं है कि खाली रन ना दे, विकेट्स लेके, अगर आप विकेट लेते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं जी। आपने अभी विलियमसन के बारे में बोला तो मुझे बस ये क्यूरियोसिटी है कि विराट या विलियमसन आपको कौन ऐसा कप्तान ऐसा लगता है कि जो उसकी उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकता है? दोनों ही बड़े इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर्स हैं और रहे हैं, पर्सनैलिटीज बहुत अलहदा है, विराट कोहली जो है बिल्कुल आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, विलियमसन जो है बहुत अंडरस्टेटेड रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनके अंदर आक्रमण नहीं है, वो भी बड़े एग्रेसिव प्लेयर है और
महान प्लेयर है एज अ बैट्समैन। एक बहुत ही हल्का सीरीज उनका निकला अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब कुछ मेरे ख्याल से 100 रन भी नहीं बनाए थे 3 मैचेस में, तो वो खुद भी ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मुझे मेकअप करना है। और विराट कोहली जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही वो अगर थोड़ी सी खुशबू भी आ जाती है कॉम्पिटिशन की, तो उनका एड्रेनलिन जो है वो, हाँ, वो सर पे चढ़ जाता है। तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा ये दोनों प्लेयर्स जो है इन पे सबकी निगाह रहेगी। इंडियन बॉलर्स की कोशिश रहेगी कि कम से कम स्कोर में विलियमसन को निकाले, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स की कोशिश होगी कि विराट कोहली को चलने ना दे वरना प्रॉब्लम पड़ सकता है। तो ये दोनों पिलर्स हैं अपनी टीम के, लेकिन अगर सीरीज जीतना है तो वन मैन शो पे नहीं होगा। इट्स अ टीम वर्क, एंड खास करके मैं कहूंगा जैसे आपने बताया कि बॉलर्स जो है दोनों ही टीम के बॉलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन बॉलिंग में हल्का रहा वो टीम फंस गई। दैट मीन्स सामने वाले टीम के बल्लेबाज जो है आप पे हावी हो गए, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन में अगर बॉलर्स नहीं चलते हैं तो फिर उस टीम को प्रॉब्लम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की। दोस्तों आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। देखते रहिए लोकमत.com, लोकमत न्यूज.in।